बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफशीन जहांगीर। तो आज जिस रेस्टोरेंट की हाई टी पे मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूं, उस रेस्टोरेंट का नाम है बैम्बू सिंपली चाइनीज़। कुछ अरसे पहले यहां पर हाई टी का सिलसिला शुरू हुआ है और मैंने सोचा क्यों ना यहां की हाई टी भी ट्राई की जाए, क्योंकि यहां का खाना तो काफ़ी दफ़ा मैंने ट्राई किया है, तो सोचा कि बस हाई टी को भी जो है देख लिया जाए कि तो कैसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्राइडे और सैटरडे को हाई टी होती है और टाइमिंग्स भी आप देख सकते हैं कि 4 बजे से 5:30 बजे का एक स्लॉट होता है और दूसरा स्लॉट होता है 6 बजे से 7:30 बजे, यानी शाम के टाइमिंग्स के ये स्लॉट हैं। तो मैं 6 बजे से 7:30 वाले स्लॉट में गई थी। अच्छा, 2 दिन पहले मैंने रिज़र्वेशन करवा ली थी। अमूमन जो है वो हाई टी में आपको पहले से रिज़र्वेशन करवानी होती है, और अगर किसी डिनर के बुफे में जा रहे होते हैं और आपके जब पर्सन ज़्यादा होते हैं तो आपको पहले से ही रिज़र्वेशन करवानी होती है। तो मैं यहाँ पर पहुँची थी 6:15 बजे, तो बस अपनी टेबल पे हम आ गए थे क्योंकि रिज़र्वेशन थी तो कोई इशू नहीं हुआ। तो ये अच्छा रहता है कि आपकी टेबल पहले से रिज़र्व रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जी हाँ, ये छोले की चाट है, आलू की चाट है और दही बूंदियाँ थी, गोलगप्पे थे। तो ये तो खैर मैंने टेस्ट नहीं किए, लेकिन जो शौकीन हजरात हैं इन सबको खाने वाले, उनके लिए बहुत अच्छा एक यहाँ पर सारी अरेंजमेंट थी। और आप देख सकते हैं कि सारे लवाजमात भी जो है वो साथ रखे हुए थे। अच्छा, जहाँ तक पूरे हाई टी की एक प्रॉपर बात की जाए तो मुझे यहाँ पर डिशेस के हवाले से कुछ बहुत महदूद डिशेस लगी। अमूमन मैं हाई टी करते रहती हूँ तो वहाँ पर लातादात डिशेस होती हैं और बहुत अच्छी तरीके से अरेंज भी किया हुआ होता है, और यहाँ पर इनकी मैनेजमेंट को थोड़ी बहुत जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। मुझे लग रहा है कि अभी नया नया इन लोगों ने शुरू किया है तो थोड़ा जो है वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन हाई टी होती है और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। तो ऊपर के हिस्से में इन लोगों ने हाई टी की पूरी अरेंजमेंट की हुई थी और कंजेस्टेड बहुत हो रहा था, करीब करीब जो है वो सारी टेबलें थी। और आप यहाँ पर डिशेज़ भी देख सकते हैं, ये मेन कोर्स की जो है वो डिशेज़ अब आ चुकी हैं। बैम्बू रेस्टोरेंट का चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़े का होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो है एग फ्राइड राइस भी हैं और ये पास्ता भी है, यानी इन्होंने जो है वो अपने 4-5 मेन कोर्स के आइटम भी रखे हुए थे। और बेसिकली चाइनीज़ रेस्टोरेंट है तो ज़ाहिर बात है ये यही चीज़ें इसमें रखेंगे। तो फ्रेश आ रहा था, गरम गरम आ रहा था, डिशेज़ जो हैं वो खाली हो रही थी फटाफट खटाखट तरीके से, तो उनको रिफ़िल भी किया जा रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि काफ़ी रश था और जगह भी काफ़ी कंजेस्टेड थी। अच्छा, ये डिज़र्ट बार में मैं आई हूँ तो यहाँ पर बहुत मुझे वसाइल की कमी महसूस हुई, बहुत कम इन्होंने जो है वो रखा हुआ था डिज़र्ट का सामान, और ये बेचारा कस्टर्ड था, जैली थी और चॉकलेट मूस, स्ट्रॉबेरी मूस, और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि ग्रीन टी का सेक्शन है और चाय का सेक्शन है, और यहाँ पर आपको टी बैग वाली चाय मिलेगी। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं खाने की तरफ। सबसे पहले मैं सूप लूँगी और हॉट एंड सॉर सूप, मेरा ऑल टाइम फेवरेट, और वो भी बैम्बू रेस्टोरेंट का, क्या ही बात है। अच्छा, एक्स्ट्रा कोई सॉस डालने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, एकदम परफेक्ट सूप था। और यहाँ पर 2 सूप थे, हॉट एंड सॉर सूप और चिकन कॉर्न सूप, और साथ में एक क्रैकर भी मैंने ले लिया था। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्टर लूँगी सूप के साथ, और स्टार्टर में आप देख सकते हैं कि चिकन रोल थे और चिकन विंग्स थे, प्रॉन्स थे, चीज़ स्टिक्स थी, समोसे थे, फ्राइज थे। तो हाई टी में अमूमन ये सारे आइटम्स होते हैं और थोड़ा थोड़ा जो है वो सबको मैं करूँगी टेस्ट, जी हाँ। अच्छा, जब मैंने फ्राइड प्रॉन्स देखे ना तो मुझे थोड़ा मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि टेम्पूरा प्रॉन्स जो है वो मैंने सोच के रखा था कि मैं तो यहाँ पर वही खाऊँगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो छोटे पीसेस में हुए हुए प्रॉन्स थे फ्राइड, और बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर जो है फ्राइड हुए थे, यानी मुझे ऑयल बहुत पुराना लग रहा था। अच्छा, पहले सूप मैं टेस्ट करूँगी, और सूप वाकई में बहुत ही मज़े का था हमेशा की तरह, और आप ये प्रॉन्स देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर ऑयल है, और मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने जो है वो इतना क्यों ले लिया, लेकिन इसको मैं ख़त्म करूँगी जब लिया है। अच्छा, विंग्स भी टेस्टी थे और ये रोल भी बहुत अच्छा था, और समोसा बस ठीक था। तो मैंने फिर पिज़्ज़ा जो है लिया, मैंने कहा पिज़्ज़ा भी इसका टेस्ट करके देखती हूँ, तो पिज़्ज़ा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, तो ये भी मैंने जो है फिनिश किया। अब मैं आ गई हूँ अपने मेन कोर्स की तरफ, जहाँ पर इन्होंने अपनी सिग्नेचर डिशेस रखी थी, जिन सब को करूँगी मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट।
तो माशाल्लाह से शक्ल से बहुत अच्छे लग रहे थे और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट बना ली थी जिसे मैं सुकून से बैठ के करूँगी इंजॉय। जी हाँ, ये है मेरी मासूम सी प्यारी सी प्लेट। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि खाना थोड़ा थोड़ा सारा ही टेस्ट करें, लेकिन जितनी आपके पेट में गुंजाइश है उतना ही। तो मैंने इसके बाद दोबारा अपनी एक प्लेट बनाई थी जिसमें मैंने जो डिशेस रह गई थी वो भी इनकी टेस्ट की थी, और नो डाउट बहुत ही मज़े का खाना था। इनका चाइनीज़ तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, और अगर आप लोगों ने वैसे भी इसका चाइनीज़ इस होटल का नहीं खाया हुआ हो तो आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ और इसको नोश फरमाएं। अच्छा, मेरा एक व्लॉग ना पहले भी बना हुआ है इसी रेस्टोरेंट का, यानी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी वाली ब्रांच का ही बना हुआ है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और नॉर्थ नाज़माबाद भी ये रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ पर हाई टी की अभी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में ही मैं आई हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ डिज़र्ट की तरफ। अच्छा, ये कस्टर्ड ऐसा था कि किसी खातून ने घर में बनाया है, और वो भी उन्होंने बिल्कुल नया नया जो है वो कस्टर्ड बनाना सीखा होगा, तो ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। आप देख सकते हैं कि इतना थिक तो कस्टर्ड होता ही नहीं है, और थोड़ा मुझे कच्चा भी लग रहा था। और ये जो चॉकलेट ब्राउनीज़ हैं ये इतनी सख्त थी कि बस खा ली थी मैंने, लेकिन जो है वो मुझे ज़्यादा कोई मुसर्रत नहीं हुई इसको खा के। जी यहाँ पर गोला गंडा भी था जिसको बनाते हुए मैंने आपको दिखाया कि ये किस तरह बन रहा था, तो बच्चे शौक से इसको खा रहे थे, साथ में वॉफल्स भी थे। लेकिन मैंने ये दोनों चीज़ें ट्राई नहीं की, मैं अपनी जो है वो डिज़र्ट की प्लेट बना के अपनी टेबल की जाने प्रवाह दवा थी, और यहाँ पर मैं इसको जो है इंजॉय करूँगी। तो कस्टर्ड का तो रिव्यू मैंने आपको दे दिया, और साथ में ब्राउनीज़ का भी दे दिया, और ये चॉकलेट मोस था ये भी बस सही था, और आप क्वान्टिटी भी देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से 2 चम्मच में ही ये ख़त्म हो गया था, तो ये क्वांटिटी इन्होंने इतनी ही रखी थी, बहुत छोटी छोटी सी ना। अच्छा, ये जिस तरह डिज़र्ट के इनके हो गए, उनके ग्लासेस हो गए, और इनके जो चाय के कप हो गए, मुझे उनको देख के लग रहा था कि बचपन में लाइबा के लिए कुकिंग सेट लेती थी, यानी जो बर्तनों का सेट होता था ना टॉयस में, तो मुझे बिल्कुल वो याद आ गया कि ये बिल्कुल वैसे ही मुझे ये सब लग रहे हैं। आप चाय का कप भी देख सकते हैं कितना छोटा सा है। तो इसमें मैंने 3 टी बैग्स डाले थे, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, तो बेचारे जो है वो आधे से भी आधे कप हो गई थी, तो लेकिन चाय अच्छी थी। और यहाँ पर आप इसका जो है इंटीरियर भी देख सकते हैं कि काफ़ी जो है साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा है। तो पूरा अच्छी तरीके से मैं इसलिए विज़िट नहीं करवा सकी आपको क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, तो प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये 5% का बिल ये बना था 9769 पैसा।
जिसमें 15% GST टैक्स था, जो अमूमन रेस्टोरेंट्स में होता है। और चलते चलते एक और बात मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत बांधिएगा हाइटी में, कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें बांधकर यहाँ पे आएँ, लेकिन पैसों के हिसाब से नॉट बैड। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कॉमेंट्स भी। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।